हेलो फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्रिस्टल को कैसे चेक करेंगे कि वो सही है या खराब है। क्रिस्टल जो है वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसएमपीएस नहीं, मोबाइल के अंदर, लॉजिक बोर्ड, इन सब के अंदर लगा होता है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि क्रिस्टल सही है या खराब है। ये अलग अलग टाइप के क्रिस्टल यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो डेस्कटॉप बोर्ड में लगा होता है, ये आरटीसी क्रिस्टल हो गया, और ये जो है वो ये असेंबली टाइप के क्रिस्टल हो गया। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या खराब है, ठीक है। तो इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को हमें कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पर रखना है। कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे, ये कॉन्टिन्यूटी पॉइंट है, इस पर हम रख के इसको चेक करेंगे। तो इसको कैसे हम चेक करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे सेट करके इसको चेक करने पे दोनों साइड से कोई भी वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। अगर दोनों साइड से कोई भी वैल्यू शो करता है या बीप करता है तो ये क्रिस्टल जो है वो खराब है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पर रख के मल्टीमीटर को। इसको चेक करने पे दोनों साइड से कोई भी वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, मल्टीमीटर में भी देख सकते हैं आप, ये वैल्यू शो नहीं कर रहा। अब इसको चेंज करेंगे इसको, और इधर से भी इसको चेक करते हैं। सॉरी, इसको देखिए, दोनों साइड से वैल्यू शो नहीं कर रहा है। इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको हम ऐसे चेक कर लेंगे, इसको पकड़ के, और इधर से मल्टीमीटर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। अब इसको चेंज करेंगे, और इधर से भी चेक करने पे कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा, तो ओके है। इसको भी ऐसे ही चेक करेंगे यहाँ पर रख के, और इसको ऐसे चेक करेंगे तो कोई वैल्यू शो नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा। अब प्रोब को चेंज करेंगे, इधर से भी कोई वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। अगर वैल्यू शो करेगा या बीप करेगा तो क्रिस्टल जो है वो खराब है। ये असेंबली टाइप का क्रिस्टल है, इसको कैसे चेक करेंगे, लैपटॉप में लगा होता है। तो ये भी दोनों साइड से कोई वैल्यू शो नहीं करेगा ना बीप करेगा, कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। अब इसको चेंज करेंगे, और ऐसे भी चेक करने पे कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल का जो वर्क होता है वो डिजिटल सर्किट के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए स्टेबल क्लॉक पल्स जनरेट करता है। क्रिस्टल वहां पे लगा होता है जहां पे आईसी लगी होती है, तो आईसी के लिए स्टेबल क्लॉक पल्स प्रोवाइड करने का काम करता है। और ये स्टेबल पल्स जो होता है, सिग्नल जो होता है वो बहुत वीक होता है, वो आईसी जो है उस सिग्नल को बूस्ट करके आगे पास करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि क्रिस्टल को कैसे चेक करते हैं वो सही है या खराब है। तो हमें सिंपल तरीके से कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पर रख के इसको चेक करना है, दोनों साइड से कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए ना भी पाना चाहिए, तो ये क्रिस्टल सही है। और इसकी एक और मेन जो टेस्टिंग है, जो एक्चुअली इसकी जो वैल्यू होती है वो सीआरओ मशीन से क्लियर होता है। तो सीआरओ मशीन से जो है उससे ये क्लियर होगा कि इसकी जो वैल्यू है एक्चुअली उसकी वैल्यू कितनी है। तो उससे भी हम सीआरओ मशीन से भी क्लियर कर सकते हैं कि ये क्रिस्टल सही है या खराब है। मल्टीमीटर चेक करने पे कोई वैल्यू नहीं आएगा ना कोई बीप आएगा। अगर बोर्ड के अंदर चेक कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू भी शो कर देता है, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट की रीडिंग भी आ सकती है। ओके, थैंक यू।